पवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत पांड्या खेड़ी चौराहे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में परिवार के 3 बच्चे और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जबकि हादसे में 1 पुरुष घायल हो गया। पवासा पुलिस CSP पल्लवी शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि तेज रफ्तार डंपर ने पांड्या खेड़ी चौराहे पर बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक पर सवार बच्चे और महिला पुरुष सड़क पर जा गिरे, जिसके चलते डंपर के टायरों के नीचे आकर 3 बच्चे और 1 महिला की जान चली गई। घटना के बाद चालक डंपर लेकर फरार हो गया, जबकि घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक घायलों को रहवासियों ने ऑटो में बिठाकर जिला अस्पताल भेज दिया। शंकरपुर डेरे के पारदी समुदाय के लोग थे, अवतार और पत्नी का नाम था पूनम। ये लोग फेस्टिवल ओकेजन के लिए खिलौने खरीदने के लिए जा रहे थे इंदौर। इनके पास में 3 बच्चे थे, 1 7 साल की बच्ची थी मेघा, 4 साल की बच्ची सानवी और 2 माह का बच्चा था। डंपर से भिड़ंत होने के कारण ऑन द स्पॉट 3 बच्चों की डेथ हो गई है और बाकी दोनों को घायलों को हमने रेफर कर दिया है हॉस्पिटल। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चालू है और डंपर हमने जब्त कर लिया है।